सबके अलावा ट्विटर पर कई सारे ऐसे कमेंट्स हमने देखे कि साजिद खान को शो में फेवर किया जा रहा है, या फिर उनकी तरफ बिग बॉस का जो मतलब कि वाक्य जो भी है वो ज्यादा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? मेरी क्या राय है मैडम, आपको भी दिख ही रहा होगा, ये तो सच है, इसमें क्या झूठ है। साजिद खान को तो सपोर्ट मिल ही रहा है, उसमें क्या है, साफ दिख रहा है। जिसको नहीं दिख रहा वो अंधा होगा। मैंने तो चश्मे लगाए हुए हैं फिर भी मुझे दिख रहा है कि सपोर्ट मिल रहा है पूरा का पूरा। वो मिलता ही है यार, मिलता ही है। और जब आप कहीं किसी बैकग्राउंड से आते हैं, और स्पेशली ये इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से आते हैं, और आपकी बड़ी अच्छी खासी बातचीत होती है मेकर्स के साथ और सबके साथ, ये जितने भी लोग वहां हैं, तो ऑब्वियसली फेवर तो मिलता है ना। अगर किसी कंपटीशन में कोई पार्टिसिपेट कर रहा होगा और उसमें मेरा अच्छा खासा दोस्त भी होगा, तो ऑब्वियसली मैं उसको फेवर करूंगा। तो ऐसा इनके साथ हो रहा है, यहाँ पे इनको फेवरिज्म मिल रहा है। आपने कभी देखा था पूरे के पूरे कितने सीजन निकल गए ऐसे सिगरेट पीते हुए? देखा था किसी को कैमरे पे नहीं यार, आउटडोर सिगरेट फेंकते हुए किसी को देखा था? हम नहीं। सब सिगरेट पीते थे, हम हाँ, सब सिगरेट पीते थे। बिग बॉस में जितने भी लोग आते हैं आधे से ज्यादा सिगरेट पीने वाले हैं, पर क्या कैमरे? ये तो भाई खुलने में गार्डन एरिया में सुट्टे लगा रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, ये क्या है ऐसा ऐसा? ये तो वही हो गया ना यार, कि आप अगर कोई हो तो सब कुछ जायज है, और कुछ ना हो तो जायज नहीं है। तो कुछ चलिए, कुछ सीजन था का आई गेस लोगों को पता भी नहीं था कि स्मोकिंग जोन होता है या स्मोकिंग एरिया होता है। ये पिछले कुछ सीजन्स में काफी ज्यादा देखा गया और इस सीजन में काफी ज्यादा हाइप हो गया है। मुझे एक बात अच्छी तरह याद है, एक बारी मैं और आकाश दादलानी सिगरेट पी रहे थे स्मोकिंग रूम में, और हम सिगरेट पीते पीते कुछ बात कर रहे थे आपस में, तो हमारी बिग बॉस ने इस कदर ऐसी की तैसी करी थी कि या तो तुम सिगरेट पी लो या तो तुम बात कर लो, ये कंटेंट बाहर नहीं जा पाएगा। तो इनको देखो, ये तो सब कुछ ही सिगरेट पीते हुए करते हैं। और एक बात आपको बताता हूँ, हमारे सीजन में आप टॉयलेट्स के अंदर सिगरेट नहीं पी सकते थे। हाँ, आप हमेशा स्मोकिंग जोन में जाकर ही सिगरेट पी सकते थे। इनके यहाँ देखो ना, किसी भी टॉयलेट में कोई भी सिगरेट पी रहा है, दो दो तीन तीन लोग घुस के सिगरेट पी रहे हैं, क्या है ये, क्या है ये? तो ये तो फेवरिज्म ही है ना यार। देखो दो बातें हैं, पहले जी क्या होता था, पहले लोगों को इस शो की जरूरत होती थी, तो सारे रूल मानते थे। हाँ शो को लोगों की जरूरत है, यू गेट माई पॉइंट? या या सो वो अब कंटेस्टेंट्स की बात मान रहे हैं, उनकी हर नाजायज बात को भी सहन कर रहे हैं। यस हमारे टाइम में तो खाना नहीं था बॉस, भूखे मर रहे थे, भूखे, आई एम नॉट लाइंग। जब वीकेंड पे सलमान भाई के यहाँ से खाना आता था तो हम टूट पड़ते थे उस खाने पे। अब यहाँ देखो, वीगन ले लो और क्या क्या, मतलब जो बोलो वो आ रहा है यार। तो ये तो पाब्लो एस्कोबार की लग्जूरियस जेल है, ये बिग बॉस थोड़ी है अब।